किसी भी मरीज को स्वस्थ होने के लिए दुआ दवा की जरूरत होती है, लेकिन पूर्वी चंपारण जिले के स्वास्थ्य महकमा के द्वारा गरीबों के उपयोग में आने वाले दवा को आग के हवाले कर दिया गया। मामला जिले की रामगढ़वा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां लाखों की दवा को आग लगा दी। तस्वीर आप खुद देख सकते हैं किस तरह से गरीबों के लिए सरकार के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजे गए जन उपयोगी दवाओं को मरीजों को ना देकर आग के हवाले कर दिया गया। जिन दवा को आग में जलाया गया उनमें से कुछ दवा एक्सपायर हो गई, तो वहीं दूसरे मोतिहारी सदर अस्पताल में मरीजों को दवा नहीं मिलने से त्राहिमान है। मरीजों को दवा नहीं मिलने से नाराज सामाजिक कार्यकर्ता रोड पर उतरकर आंदोलन भी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दवा को स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। बड़े अधिकारियों की सोर नजर ना पड़े इसको लेकर स्वास्थ्य केंद्र के पीछे लाखों के दवाइयों को स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा आग के हवाले किया गया, जिसमें बड़े घोटाले की बू आ रही है। हालांकि इस जलते हुए दवाइयों का धुआं अधिकारियों की आंखों में लग गया है, जिसके बाद इस मामले में मोतिहारी जिलाधिकारी संज्ञान लिया है और मामले की जांच कर बड़ी कार्रवाई की बात कही है। हालांकि जांच अगर जिले के सभी सरकारी अस्पताल की हो तो हो सकता है कि ऐसे ही बड़ा खुलासा हो जाए। ये चीज़ सामने आई है, इस संदर्भ में जो है DPM और सिविल सर्जन को निर्देश दिया जा रहा है कि जांच करेगी किस परिस्थिति में जो है बायोमेडिकल वेस्ट जो है वहाँ पे जलाया गया है। अगर इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पे कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है प्रशासन के द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा भी की जाएगी। धन्यवाद। सदर अस्पताल मोतिहारी में हम लोग आए थे, बहुत सारे यहाँ पे जो लोग हैं जिले भर से आए हुए थे इलाज कराने के लिए आते हैं, तो हर किसी के पूजा पर 4 दवा लिखा जाता है, किसी के पूजा पर 5 दवा में लिखा जाता है, लेकिन एक ही दवा दिया जाता है और उस मरीज को बोल दिया जाता है कि जाके बाहर से दवाई लीजिए। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि बाहर से दवा लेने के लिए अगर गरीब लोगों के पास पैसा रहता तो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए क्यों आते? तो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए आते हैं क्योंकि उनको दवा मिले, लेकिन सरकारी अस्पताल मोतिहारी की, सदर अस्पताल मोतिहारी की यह सच्चाई है कि 96 लाख का दवा खरीदा गया था, बावजूद उसके काउंटर पर दवाई नहीं है। तो या तो 96 लाख का दवा नहीं खरीदा गया था, या खरीदा गया था तो वो दवा कहाँ है और वो दवा यहाँ नहीं था कि वो दवा गया के यहाँ, ये सारा चीज़ है। तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि त्वरित इसकी जाँच हो और उस पर दोषियों पर कार्रवाई करने का काम करें, नहीं तो निश्चित रूप से हमारी नवयुवक सेना निश्चित रूप से इस पर आंदोलन करने का काम करेगी।